मैं डिप्टी डायरेक्टर सुडा, मेरा नाम है अमिताभ दास और मेरे साथ है मेरा सहयोगी दीपक नास्कर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सुडा एंड विजय कृष्ण पाल, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर KMDA। हम लोग आए यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा कैसे इस मिनिक को आगे ले जाना है उसी बारे में, उसी संदर्भ में। और यहाँ पे दो तरह का चीज़ है, आप जान ही चुके हैं। एक है तो यहाँ का जो लिगासी वेस्ट है जो बहुत दिन से यहाँ पे जहाँ पे डंपिंग ग्राउंड पे डंप हो रहा है, उसको कैसे उसको प्रोसेसिंग करके वो लैंड दोबारा वापस देने का, उसको कहते हैं बायो माइनिंग एंड बायो रेमेडिएशन। उसी प्रोसेस से वो लैंड रिक्लेम्ड हो जाएगा और फिर से वापस उस पूर्व स्थिति में जैसे 10 साल पहले था उसी अवस्था में उसको लौटा दिया जाएगा। और एक है यह फ्रेश वेस्ट जो डेली घर से आता है, कचरा या और कोई दूसरे होटल रेस्टोरेंट या इटरीज वगैरह, कोई ऑफिस भी हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जहाँ से ये कचरा आता है, वो दो तरीके से उसको सेग्रीगेशन करना है। एक है जो कंपोस्टेबल वाला है जिसको ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, वेट वेस्ट, और एक है जो रिसाइकलेबल वाला है जिसको ड्राई वेस्ट कहते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसी से खाद बनता है, उच्च गुणवत्ता का खाद वहाँ से बनता है, उसको कहते हैं कंपोस्ट। ये कंपोस्ट ये दो तरह का होता है, ये विंडो कंपोस्टिंग वाला मेथड है और एक वेसल कंपोस्टिंग वाला मेथड है। तो जो अच्छा होगा वो हम दे देंगे, दैट मीन्स उसका टेक्नोलॉजी हम शेयर करेंगे। और हो सके तो यहाँ का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको ट्रेनिंग दे के वही ये खाद बना सकता है। तो उसमें म्यूनसिपलिटी का कुछ अर्निंग भी हो सकेगा। और अरे ये दूसरा वाला है जो प्लास्टिक वेस्ट है, और प्लास्टिक है या कोई रैग्स है या कोई मेटल कंपोनेंट है या ग्लासेस है, वो रिसाइकल वाला है। उसको जो ऑथोराइज्ड रिसाइकलर है CPCB या PCB के द्वारा जो ऑथोराइज्ड है उनको दिया जाएगा और वो उसको रिसाइकल करेगा। हम लोग सोच के यहाँ पे आए हैं और कल बातचीत हुआ, ऑनरेबल चेयरपर्सन था वहाँ पे और SDO साहब भी था, मेरी म्यूनसिपैलिटी का जो अधिकारी जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो देखभाल करते हैं, हम लोग सारे बातचीत किए हैं और अच्छा हल निकल आएगा ये मेरा उम्मीद है। मतलब तो ये काम कब से, ये प्रोसेस कब से शुरू होगा? ये हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को भेजा है यहाँ पे, वो माइक्रो प्लानिंग करेगा यहाँ पे है, जो वेरियस लेवल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स जो होता है उनको ट्रेनिंग भी देगा और जो ऑथोराइज रिसाइकलर्स है उनको भी हम यहाँ पे भेज देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं जितना जल्दी हो सके, बीन भी हम दे चुके हैं, कुछ व्हीकल्स जो यहाँ का मौसम में और यहाँ का जो जियोग्राफी में सूटेबल होगा वो हम कुछ व्हीकल यहाँ पे भेज देंगे सुडा से। और कुछ यहाँ म्यूनसिपल अथॉरिटी उसका जो 15 फिनेंस कमीशन का जो फंड है उससे कुछ खरीद लेंगे। तो हम सब मिल के एक साथ चलेंगे, हमें पूरी आशा है कि हम लोग सफल हो जाएगा। वैसे डंपिंग ग्राउंड के लिए लोकेशन आपने कहाँ पर सोचा है, मतलब देखा है कुछ? हाँ, हम लोग जो देखा है वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड का, चेयरमैन साहब ने हम लोगों का ले गए थे, वो जो फ्रेश वेस्ट वाला वहाँ पे होगा, शायद वहाँ पे 10 एकड़ का लैंड है ना, तीन एकड़ का लैंड है। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है, यहाँ का जो जनसंख्या है उसी हिसाब में 3 एकड़ हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम लोग वहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग दे के वहाँ पर ही हम लोग ये प्रोसेसिंग यूनिट बना देंगे। अभी आप मिरिक में भ्रमण कर रहे हो और दूसरा कोई प्लान है?
नहीं, ये जो हिली एरिया में जो फोर्स टाउन है, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, कर्शियांग और मिरिक, ये चारों हम विजिट किया है और आधिकारिक बातचीत किया है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दार्जिलिंग एंड एडीएम सर हुआ देयर, और हम लोग डिटेल डिस्कशन किया है चारों हिली टाउन में लागू हो सकता है। उसी संदर्भ में हमारा टेक्निकल टीम भी आएगा और उसके बाद उसको वो फाइनलाइज किया जाएगा। मिरिकमा धेरै अगाडिदेखिको भइरहेको समस्या डम्पिङ विषय लिएर अहिले कलकत्ताबाट हिजो मात्र यहाँ मिरिक आइपुग्नु भएछ। यस समक्ष हामी समक्ष हुन्छ मिरिक नगरपालिका चेयरम्यान एलबी राई हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको बिचमा जुन डम्पिङ ग्राउन्डलाई लिएर अहिले बातचित भयो, यो कस्तो भएको छ दर्शकमा के बताइदिनु? अब यो मतलब मिरिकमा डम्पिङ ग्राउन्ड नभएकोले गर्दाखेरि धेरै समस्या थियो र एउटा भनौँ नेग्लिजेन्सी पनि थियो भनौँ, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गभर्मेन्ट तर्फमा क्रस पेन्डिङ गऱ्यौँ र प्रोसेस गऱ्यौँ र प्रोसेस गरेको बापत चाहिँ आज चाहिँ हामीलाई कलकत्ताको उहाँ सरहरूसँग टोटल डिपार्टमेन्ट आएर मिरिकको लागि कुन किसिमले नेट एन्ड क्लिन राख्नुपर्छ र यो महिलाहरूलाई के गर्ने यो विषय लिएर उहाँहरूको मतलब साइन्टिफिक तरिकाले गर्ने र इन्जिनियरिङ तरिकाले के गर्ने यो सबैहरू सरसल्लाहहरू भएको छ र मिरिकको लागि एउटा ठुलो एसेटको मतलब एउटा ठुलो उपलब्धि भएको छ। र रिसेन्टली अघि तपाईँहरू सोध्नुहोस् सरले सायद क्लियरेसन गर्नु सकेन र रिसेन्टलीको लागि उहाँहरूले हामीलाई जे चाहिने गाडी भेहिकल्सहरू छ त्यसलाई मतलब दिने र जुन किसिमको अहिले हामीले डम्पिङ ग्राउन्ड तल चलाउँछ त्यसलाई पनि केही मोडिफाई गरेर हामीलाई बनाउने जति दिन टाइम लाग्छ त्यहाँ पनि हामीहरू एउटा मोरल स्किलमा बनाउने र जुन किसिमले यहाँनिर अहिले डम्पिङ गरिन्छ त्यो डम्पिङहरू जुन चाहिँ महिलाहरू छ त्यो चाहिँ महिलाहरू चाहिँ एउटा पनि खेरो नजाने र त्यसलाई बनाएर मलहरू बनाएर हामीहरू यसो नर्सरीहरू कमानहरूलाई पनि हामीहरू बिक्री गर्नु सक्ने र यहाँ सेल्फ हेल्प जुन चाहिँ ग्रुप छ हाम्रो नानीहरू छ त्यसले त्यो महिलाद्वारा त्यो उठाएर त्यहाँनिर मतलब साइन्टिफिक तरिकाले बनाएर उनीहरूको रोजीरोटी पनि चल्ने भन्ने एउटा जीविका पनि चल्ने र अहिलेसम्म त हामीले महिला त्यसै फ्याँकिरहेको त्यो महिलाको पनि कस्ट हुँदो रहेछ हामी त्यो महिलाको पनि कीमत पाउन रहेछौँ र हाम्रो नानीहरूले मतलब केही मात्रामा यहाँ समस्या हल हुन्छ। र मिरिकलाई चाहिँ हामीले अघि उहाँ सरहरूसँग कुरा भयो र मिरिकलाई उहाँहरूले अघि मलाई त एक्सपिरियन्स गर्नुभयो सायद नन अफिसियली भए तापनि मिरिकलाई चाहिँ एउटा मोडर्न मतलब यो एउटा म्युनिसिपालिटी बनाएर लाने उहाँहरूको पनि सोच राख्नु भएको छ र यसको लागि म मिरिक नगरपालिकाको अध्यक्षको हैसियतमा यही मिरिकवासीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जुन किसिमले उहाँ डिपार्टमेन्टहरूले सहयोग गर्नुभएको छ राज्य सरकारले सहयोग गर्नुभएको छ मिरिक नगरवासीले पनि हामीलाई त्यतिकै सहयोग गर्नुपर्छ। हामीहरू मिरिकलाई जसरी नेट एन्ड क्लिन राखेर एउटा मिरिकलाई नमुना भने म्युनिसिपालिटीको मात्र जिम्मेवारी नभएर सम्पूर्ण मिरिकवासीको जिम्मेवारी होस् भन्ने म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु।